यूक्रेन में हमारे भाई बहन यूथ इतना फंसा हुआ है, हमारे भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में, बार 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 वहां से वीडियो आ रही है, और देश के प्रधानमंत्री मस्त है डमरू बजाने में, व्यस्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सभी को पता, उन्हें कोई फिकर कोई चिंता नहीं। आपने देखा होगा तीन तीन चार चार दिन पैदल चल करके वो हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे यूथ जो है, पैदल चल चल करके दूसरे देशों की सीमा में चार चार दिन तक आ रहे। पानी किस तरीके से वो पी रहे, कैसा पानी पी रहे, कितनी जिल्लतें उनको वहां झेलनी पड़ रही, लेकिन इन सबसे अनजान है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको है ना कोई मतलब ही नहीं है। वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उनको अगर बच्चे होते, घर परिवार होता, तो उनको उनके दुख की स्थिति का पता होता कि दुख किसे कहवे, दर्द किसे कहवे, तकलीफ किसे कहवे। उनके अपने बच्चे होते, नेताओं के बड़े बड़ों के बच्चे होते, तो शायद उनको इस दुख का अंदाजा होता, लेकिन अभी उनको इस दुख का कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी, उनकी कोई जान जाए किसी व्यक्ति की, कुछ जाए, कोई बात नहीं, तकलीफ महसूस कर रहे, लड़कियां रो रो करके वीडियो बना रही है, कुछ भी हो जाए, इनको सिर्फ भूख है सत्ता की। आप इस चीज को खूब महसूस भी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बोला देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला कि जनता ने मेरा नमक खाया है। शायद एक बात भूल गए प्रधानमंत्री तुम, कि तुमको यह नहीं पता लोकतंत्र देश में जनता ही तो हटाती है और जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, जनता ही गिरा देती है, सब कुछ सत्ता परिवर्तन ही जनता करती है। और आपको किसी ने यह नहीं बताया कि आप जो खाते हो वो भी इस देश की जनता का उगाया हुआ, उन किसानों का, मजदूरों का उगाया हुआ खाते हो, और आप कैसे कहते हो कि आप मैंने मेरा नमक खाया है, ये इस देश का नमक है, आपने अपनी जेब से नहीं दिया, आपने इस नमक को बनाकर के खुद नहीं दिया अपने कारखाने में, ये देश का नमक है हमारे, आपका हमने कुछ नहीं खाया, आपको शर्म नहीं आती, कैसे कैसे बयान आप देते हो, आप समझो कि आप कह क्या रहे हो, आप बौखला रहे हो, आप बौखला रहे हो, क्योंकि आपकी कुर्सी सरकती हुई नजर आ रही, और जनता के दुख से दूर होकर के आप जनता के दुख से दूर और उन बच्चों के दुख से दूर जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनके दुख से दूर होकर के आप मस्त हो डमरू बजाने में, व्यस्त हो उत्तर प्रदेश के चुनाव करने में, इसलिए आपको जनता नकार रही है और आपको जनता नकारेगी और आपकी हार निश्चित है, ये आप देखना। राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान। आप लोग सब अच्छे हैं, जो आप घर में बैठे हुए हैं सभी अच्छे हैं और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब अपने घर परिवार में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का भी जमाना है, और उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं हुए कराई, तो सबको पता चल गया कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में हो जावे या बड़े बड़े युद्धों में हो गए, जिन्हें हम कभी चाहकर भी नहीं भूल पाते। आपको एक बात याद होगी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, याद होगा ये वाली बात आप सभी को। वैसे ही अब ये चीजें दोहर रही है, खुद पे खुद दोहर रही है, और सत्ता की भूख में लोग इन्हें दोहरा रहे हैं, खुद पे खुद दोहरा रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन में, हमारे भाई बहन यूथ इतना फंसा हुआ है, हमारे भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में, बार 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 वहां से वीडियो आ रही है, और देश के प्रधानमंत्री मस्त है डमरू बजाने में, व्यस्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सभी को पता, उन्हें कोई फिकर कोई चिंता नहीं। आपने देखा होगा तीन तीन चार चार दिन पैदल चल करके वो हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे यूथ जो है, पैदल चल चल करके दूसरे देशों की सीमा में चार चार दिन तक आ रहे। पानी किस तरीके से वो पी रहे, कैसा पानी पी रहे, कितनी जिल्लतें उनको वहां झेलनी पड़ रही, लेकिन इन सबसे अनजान है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको है ना कोई मतलब ही नहीं है। वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उनको अगर बच्चे होते, घर परिवार होता, तो उनको उनके दुख की स्थिति का पता होता कि दुख किसे कहवे, दर्द किसे कहवे, तकलीफ किसे कहवे। उनके अपने बच्चे होते, नेताओं के बड़े बड़ों के बच्चे होते, तो शायद उनको इस दुख का
अंदाजा होता, लेकिन अभी उनको इस दुख का कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी उनकी कि जान जाए किसी व्यक्ति की, कुछ जाए, कोई बात नहीं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लड़कियां रो रो करके वीडियो बना रही है, कुछ भी हो जाए, इनको सिर्फ भूख है सत्ता की। आप इस चीज को खूब महसूस भी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बोला देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला कि जनता ने मेरा नमक खाया है। शायद एक बात भूल गए प्रधानमंत्री तुम, कि तुमको यह नहीं पता लोकतंत्र देश में जनता ही तो हटाती है और जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, जनता ही गिरा देती है, सब कुछ सत्ता परिवर्तन ही जनता करती है। और आपको किसी ने यह नहीं बताया कि आप जो खाते हो वो भी इस देश की जनता का उगाया हुआ, उन किसानों का, मजदूरों का उगाया हुआ खाते हो। और आप कैसे कहते हो कि आप, मैंने मेरा नमक खाया है, ये इस देश का नमक है, आपने अपनी जेब से नहीं दिया, आपने इस नमक को बनाकर के खुद नहीं दिया अपने कारखाने में, ये देश का नमक है हमारे, आपका हमने कुछ नहीं खाया, आपको शर्म नहीं आती, कैसे कैसे बयान आप देते हो, आप समझो कि आप कह क्या रहे हो, आप बौखला रहे हो, आप बौखला रहे हो, क्योंकि आपकी कुर्सी सरकती हुई नजर आ रही, और जनता के दुख से दूर होकर के आप जनता के दुख से दूर और उन बच्चों के दुख से दूर जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके दुख से दूर होकर के आप मस्त हो, डमरू बजाने में व्यस्त हो उत्तर प्रदेश के चुनाव करने में, इसलिए आपको जनता नकार रही है और आपको जनता नकारेगी और आपकी हार निश्चित है, ये आप देखना, क्योंकि जनता अपनी ताकत दिखाएगी। और देखा आपने एक फ्लाइट में किस तरीके से ये हमारे नारे लगवा रहे थे, अपने देश के, अच्छी बात है, हमारे देश के नारे हम जब तक जिएंगे तब तक लगाएंगे, लेकिन उन बच्चों से, उन युवाओं से जिनको यूक्रेन से ला रहे फ्लाइट में, कैसे अपने नारे लगवा रहे हैं ये लोग, कैसे मुख्यमंत्री के नारे लगवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कैसे प्रधानमंत्री के नारे लगवा रहे हैं ये, उन लड़कियों का भी दुख तकलीफ देख लो, उन लड़कों की भी देख लो जो बेचारे आ रहे चल चल करके, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा सत्ता की भूख में, लेकिन बहुत जल्दी आप जरूर, आपकी आंखें खुलने वाली, जनता आपकी आंखें खोलेगी। और आप वीडियो को इतने ज्यादा शेयर करना ताकि इनकी ये हरकतें हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।